आप जब भी आपका शादी की सालगिरह हो, जन्म दिवस हो या अन्य कोई भी प्रसंग हो परिवार में, तो आप यहाँ पे गौशाला में आए और दान पुण्य का कार्यक्रम करें। आज मुझे बहुत ही अच्छा लगा, खुशी भी है। आज एक नहीं तीन तीन अवसर एक साथ है और जब भी किसी का भी जन्मदिन हो, शादी की एनिवर्सरी हो, तो हमें यहाँ पे मूक बगीर मूक सब गाय जो ठीक नहीं है, बीमार है, उनके लिए करना चाहिए। आज बाड़मेर में श्री खतरगढ़ सह सहस्त्राब्दी गौरव वर्ष प्रसंगे खतरगढ़ के 1000 वर्ष की गौरव यात्रा निमित्त एवं जैन जगत के तृतीय दादा गुरुदेव आचार्य श्री जिन कुशल श्री श्री जी महाराज के 690वें स्वर्गारोहण दिवस एवं वर्तमान खतरगढ़ाचार्य जिन पीयू सागर श्री श्री जी के 39वें दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में बाड़मेर के खतरगढ़ संघ चातुर्मास कमेटी एवं श्री पीयूष भक्त परिवार जीव दया हेतु पथमेड़ा गौशाला पहुँचे हैं। आइए बात करते हैं पथमेड़ा के सेवकों से, क्या क्या व्यवस्था चल रही है। जय गो माता, जय गोपाल। मेरा नाम जितेंद्र सिंह, यहाँ पथमेड़ा ये एम्बुलेंस द्वारा मैं चलाता हूँ गाड़ी। ये 2012 में यहाँ से चालू हुआ था। ये पथमेड़ा की ब्रांच है, स्वामी दर्शानंद जी महाराज जी उनके हाथों से ये यहाँ का नींव का मुहूर्त हुआ है। और यहाँ पर 800 गोवंश है, जिसमें से 450 विकलांग और 3 पैर वाले हैं और बाकी ऐसे जो बीमार आए उनको दवाई देके ठीक किया हुआ है। टोटल 800 गोवंश है और 2 यहाँ एम्बुलेंस है, जहाँ से फोन आता है 30-35 किलोमीटर अंदर से, वहाँ से हम उसको लेके आते हैं। और यहाँ पर 6 डॉक्टर लगे हुए हैं, 24 घंटे उपलब्ध यहाँ सेवा रहती है। कितने साल से बनी हुई है गौशाला? ये 2012 से चालू हुई है। ये पथमेड़ा की ब्रांच है, यहाँ पर स्वामी दर्शानंद जी महाराज उनके हाथों से यहाँ पर। तो सभी ये मतलब विकलांग भी पशु है, ये पशु है या इसके अलावा मतलब स्वस्थ पशु? नहीं, यहाँ पर मतलब जो विकलांग मतलब ऐसे हो गए, जो एक्सीडेंट हो, जिसका पैर काटना उसका ऑपरेशन करके 3 पैर का हो गए, कोई विकलांग भी आए हुए बाहर से गोवंश, और बाकी जैसे बीमार है उसको तो दवाई बाहर दे के उन्होंने तैयार किया हुआ है। बाकी ऐसे तो स्वस्थ पशु दुधारू पशु कितने? दुधारू तो 6-7 गाय है, ओनली 800 में 7 गाय दुधारू है, ओनली सिर्फ वो स्टाफ के लिए, बाकी दूध वाले और नहीं रखते। कुल कितनी गाय है? कुल 800। और हर वर्ष में कितनी यहाँ गाय स्वस्थ होके चली जाती है? नहीं, जाती तो नहीं, वो यही रहती है। अपने स्वस्थ होने के बाद जो मालिक की होती है वो ले जाते हैं और बाकी नहीं मालिक होता वो यही खड़ी। स्वस्थ होने के बाद लंबे टाइम अपना जी सकती है वो यहाँ गाय? वो फिर वो दूध वगैरह देती है क्या? ना दूध नहीं, ज्यादातर तो बैल ही आते हैं, गोवंश तो कम आते हैं। यहाँ बैल कितने हैं? टोटल बैलों की संख्या कितनी है? बैल तो कम से कम नहीं तो आपके हैं यहाँ से 600 बैल, 550-600 है और बाकी 250 गाय। उपचार में कितने चल रहे हैं? उपचार में अभी है अपने 35 तो है ड्रेसिंग वाली, अभी जिसके डेली उनके पट्टी खोलना है और प्लास्टर है उसके 8 के, तो प्लास्टर हो रखा है। यहाँ जो सेवा दे रहे हैं डॉक्टर्स कितने हैं? 6 डॉक्टर्स है। और यहाँ जो चल रहा है संस्था के मुख्य संयोजक कौन है? मुख्य संयोजक अध्यक्ष आलोक जी सिंगल। आलोक जी सिंगल जी। चंद्रप्रकाश जी साजेड़, मीडिया प्रभारी, आप बताएं आज किस उपलक्ष के ऊपर यहाँ आज कार्यक्रम में आए हैं आप? आज हम सभी श्री खतरगढ़ सहस्त्राब्दी गौरव वर्ष के उपलक्ष में, जो 1000 साल खतरगढ़ की स्थापना को होने जा रहे हैं, उसके उपलक्ष में परम पूज्य खतरगढ़ाचार्य श्री जिन पीयूष सागर जी महाराज साहब की प्रेरणा से जीव दया दिवस के रूप में और जैन जगत के तृतीय दादा गुरुदेव श्री जिन कुशल श्री जी महाराज साहब की 690वीं स्वर्गारोहण जयंती के उपलक्ष्य में एवं परम पूज्य खतरगच्छाचार्य श्री जिन पीयूष सागर सुरसो जी महाराज साहब के 39वें दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर जीव दया अभियान के तहत आज जीव दया का कार्यक्रम करने के लिए पथमेड़ा गौशाला में हम सभी बाड़मेर के साधर्मिक भाई बंधु आए हैं और यहाँ पर पधार के हमें बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई और गायों के साथ में बैठकर उनको गुड़ खिलाने का, चारा खिलाने का आदि का कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न किया। बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई है और हम आपके माध्यम से पूरे देश को और बाड़मेर नगरवासियों को आह्वान करेंगे, आप जब भी आपका शादी की सालगिरह हो, जन्म दिवस हो या अन्य कोई भी प्रसंग हो परिवार में, तो आप यहाँ पर गौशाला में आएँ और दान पुण्य का कार्यक्रम करें। हर्षा जी, आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा और ये कार्यक्रम अपन को किस किस आयोजन के उपलक्ष्य में यहाँ करवाना चाहिए?
आज मुझे बहुत ही अच्छा लगा, खुशी भी है। आज एक नहीं तीन तीन अवसर एक साथ है और जब भी किसी का भी जन्मदिन हो, शादी की एनिवर्सरी हो, तो हमें यहाँ पे भूख मगीर बगीर मूक सब गायें जो ठीक नहीं है, बीमार है, उनके लिए करना चाहिए। तिर्यंच प्राणी है, हम हमारे लिए तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन दान पुण्य इनके लिए भी जरूर करें। मैं सभी को यही कहना चाहती हूँ।